लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, कर्नाटक में 5 और तेलंगाना में मिले 4 नए मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 80 से ज्यादा। जल्दी अब अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्दी अस्पतालों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिसके जरिए वो हाथों हाथ नवजात शिशुओं का आधार कार्ड बना देंगे। CDS हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच शुरू, 2 हफ्तों में पूरी होने की उम्मीद। 12 दिसंबर को राजस्थान की अपनी रैली में राहुल गांधी जिन अंबानी अडानी को कोस रहे थे, उनमें से एक अडानी की कंपनी को राजस्थान सरकार ने सोलर पार्क की स्थापना के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन देने का फैसला किया। शादी की मौजूदा न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर की जाएगी 21 वर्ष। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर एक्शन का मतलब, 77 सीटों पर असर, आखिर क्यों जोखिम नहीं ले रही बीजेपी। लखीमपुर कांड को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू करने की अनुमति, 2017 से लागू थी पाबंदी। पंजाब चुनाव, अमरिंदर सिंह दिल्ली रवाना, जेपी नड्डा व गजेंद्र शेखावत से करेंगे मुलाकात, सौंपेंगे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। मेट्रोमैन श्रीधरन ने राजनीति से संन्यास लिया, बोले मैंने हार से सबक लिया, राजनीति मेरे लिए नहीं। शिवपाल यादव से मिले अखिलेश यादव, चाचा भतीजे की 45 मिनट लंबी मुलाकात के बाद गठबंधन पर बनी बात। राजस्थान गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी, वसुंधरा की भरतपुर यात्रा से ठीक पहले बीजेपी नेता ने कहा राजे ही होंगे अगली मुख्यमंत्री। पूर्व मंत्री कालीचरण सराफा भी थे मौजूद। कोरोना, योगी सरकार का दावा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत।